सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। कतर की सरकार ने 18 महीने तक हिरासत में रखने के बाद भारत के 9 सैनिकों को सोमवार को रिहा कर दिया है। मौत की सजा पाए ये भारतीय अब देश वापस आ गए हैं। यूएई की यात्रा पहुंचे पीएम मोदी अब कतर भी जा रहे हैं। वहाँ वह देश के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के साथ मुलाकात करेंगे। पूर्व भारतीयों के मुकदमों को लेकर भारत और कतर के बीच तनाव पैदा हो गया था। भारत ने जोरदार कूटनीति अभियान चलाया और इन भारतीयों को मौत की सजा से बचा लिया। विशेषज्ञों के मुताबिक इस पूरे विवाद को भड़काने में पाकिस्तान और वहां की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी भूमिका हो सकती है, जिसका इस खाड़ी देश में काफी प्रभाव पड़ा है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा कहते हैं कि भारतीय और कतर के बीच इस पूरे मामले को पाकिस्तान ने फंसा दिया है। कतर के अंदर पुलिस और खुफिया एजेंसी में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मौजूद हैं। ये पाकिस्तानी अरबी बोलते हैं और अरबों की तरह कपड़े पहनते हैं। आपको उनके बारे में पता नहीं चलेगा। भारत और कतर के बीच हाल के दिनों रिश्ते भारत से मजबूत होने लगे हैं। कतर की आर्मी और पूरी सुरक्षा में पाकिस्तानी हावी है। पिछले कुछ सालों में कतर बड़ी संख्या में भारतीयों को भर्ती करने लगा है। इसमें खासतौर पर भारतीय सेना के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो गए हैं। क्रिटिकल एरिया में भी भारत और कतर के बीच सहयोग होने लगा है। कमर आगा आगे कहते हैं, पाकिस्तान ने आईएसआई की मदद से इन भारतीयों को फंसा दिया है। अरब देशों में पहले इस्लाम के नाम पर पाकिस्तानी सेना और वहां के लोगों को अपने यहां बढ़ावा दिया गया, अब उनके यहां बदलाव आ रहा है और भारतीयों को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय तकनीकी रूप से पाकिस्तानियों से बहुत आगे है। भविष्य में उद्योग आईटी और एआई है, जिसमें भारत बहुत आगे है। खाड़ी देश नई तकनीक पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। इन देशों में आबादी बहुत ज्यादा है और इनको भारत से अच्छा और सस्ता कामगार मिल सकते हैं। भारतीय वर्कर बहुत तेजी से नई तकनीक को अपना लेते हैं। भारत की आधारभूत ढांचा बनाने वाली कंपनी यूरोप से टकरा गई। भारत की एलएनटी कंपनी ने कतर में शानदार फुटबॉल स्टेडियम बनाया है। यह इतना शानदार है कि एलएनटी को कतर में बहुत से ठेके मिल गए हैं। बता दें, कतर और पाकिस्तान की सेना के बीच बहुत करीबी संबंध है। कतर में जब फुटबॉल विश्व कप हुआ था, तब पाकिस्तान के 45 सैनिक वहां मौजूद। पाकिस्तानी, तुर्की और कतर की तिकड़ी ज्यादातर मुद्दों पर एकजुट रहती है। पाकिस्तान के बाद तुर्की ने भी अपने सैनिकों को कतर भेजा था। खबरी चौखट की रिपोर्ट। We'll be right back.